सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और इसकी अट्रैक्टिवनेस को आपने अपनी आंखों से देखा भी होगा, रियल लाइफ में हो चाहे आपने टीवी में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1631 से लेकर 1648 में शाहजहां के द्वारा, तो उस समय तो सीमेंट का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो सवाल यह है कि उस समय इसे जोड़ा कैसे गया था इसके पत्थर और संगमरमर को, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उस समय इसको जोड़ने के लिए खास तरह का पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिस पेस्ट में गुड़, बताशे, बेलगिरी के पानी, उड़द के दाल, दही, जूट और कंकड़ और चूने के पानी का इस्तेमाल करके एक खास तरह का पेस्ट बनाया गया था। उस पेस्ट के माध्यम से इसे जोड़ा गया, जिसकी पेस्ट का ताजमहल का जिस पेस्ट से ताजमहल का निर्माण हुआ था। और इसी तरह पुराने जमाने में बड़े बड़े इमारतों का निर्माण भी किया जाता था, जिसकी बुनियाद आज तक टिकी हुई है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।